हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दानशेर बज़र। तो कैसे हैं जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिर फाट होंगे, जहाँ भी होंगे हंसते मुस्कुराते और ज़िंदगी से लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो आज एतवार का दिन है और 18 दिसंबर की तारीख है और मैं मंडी से पनीरी लेके आया था, सब्ज़ी मंडी से पनीरी वहाँ पर मिलती है क्वाट में। तो लेके आया था तकरीबन हमारे पास मिर्च की काफ़ी सारी पनीरी है, उसके अलावा हमारे पास टमाटर की पनीरी है, पर टमाटर के अलावा हमारे पास बैंगन की पनीरी है। तो ये तीन पनीरी आज हम लगाएंगे, कुछ को हम क्यारियों में लगाएंगे, हमारे पास जो मिर्च है और बाकी जो बैंगन है उसको हम क्यारी में लगाएंगे, और हमारे पास जो टमाटर के प्लांट है उनको हम पोर्ट्स में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि टमाटर के पौधे थोड़े से नरम लकड़ी के होते हैं, तो उनको हम गमले में शिफ्ट करेंगे, और बाकी जो मिर्च के हैं और बैंगन के वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं तो उनको हम ज़मीन पर ही लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये क्यारी है, इसमें इसी तरीके से गुड़ाई कर लेंगे, गुड़ाई के बाद हम एक एक प्लांट लगाएंगे। तो वीडियो में हमारी हेल्प करेगा प्लांट लगाने में सुभान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो ये इस तरह बंडल में आते हैं, धागा हम काट देंगे इसका, और एक बंडल में काफ़ी सारे प्लांट होते हैं। तो बंडल की जो प्राइस है तकरीबन 20 से 30 रुपए, मुझे पता नहीं अब लेकर आए थे सुबह सवेरे। अच्छा, तो ये तकरीबन सारे जितने भी बंडल हमारे पास पड़े हैं तकरीबन 7 हैं कि 8 हैं, ये मिले हैं हमें 100 रुपए के। तो पहले सबसे पहले तो गुड़ाई करेंगे और टमाटर के जो प्लांट हैं उनको हम लगाएंगे पोर्ट्स में। अच्छा, इसके लिए मिट्टी, जो भी मिट्टी आप लेते हैं उसमें कोशिश करें कि काव मेन्योर या काव डंग ऐड ना करें, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा होती है तो इनकी जड़ें इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती तो वो जल जाते हैं। इसके लिए हम सिर्फ ही बालू मिट्टी यूज़ करेंगे, और क्यारी में भी हमारे पास बिल्कुल ही नरम, वैसे तो हमने कंपोस्ट डाला हुआ है इस क्यारी में लेकिन वो बिल्कुल ही डीकम्पोज हो चुका है। तो सबसे पहले इसके लिए गुड़ाई कर लेते हैं, गुड़ाई के बाद फिर एक एक प्लांट को शिफ्ट करेंगे, और गमले में भी जो हम मिट्टी यूज़ करेंगे वो भी बिल्कुल सादा, जो बालू मिट्टी होती है या गार्डन सॉइल होती है वही यूज़ करेंगे। एक बार जब हमारा प्लांट डिवेलप हो जाएगा उसके बाद ही हम काव मेन्योर या काव डंग उसमें डाल देंगे, लेकिन इस वक्त हम कोई भी चीज़ पोर्ट में ऐड नहीं करेंगे। ये हमने चुकंदर का प्लांट भी लगाया हुआ है और इसको मैंने सीड के लिए छोड़ा हुआ है, ये आया था पपीते के प्लांट के साथ, ये हमारे पास पपीते का प्लांट है तो इसी के साथ लगा हुआ था पोर्ट में, जब इसको शिफ्ट कर रहे थे तो इसको भी निकाल लिया हमने, और इसको मैंने फिलहाल रखा हुआ है सीड के लिए। अच्छा, गुड़ाई हमने अच्छी तरीके से कर ली है, अब एक एक प्लांट को लगाएंगे। अच्छा, प्लांट को लगाने के लिए आपको खुरपी की ज़रूरत पड़ेगी, एक हमारे पास बड़ा है तो उससे हमने गुड़ाई कर ली, और जो छोटा वाला है इससे हम सीड के लिए होल्स बनाएंगे। तो इस तरीके से होल बनाएं, और सब्जियों के जितने भी प्लांट होते हैं उनको आपने शेड में नहीं रखना, उसको आपने आप डायरेक्ट सनलाइट में लगाना है। ये क्यारी जो है इस पर बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो इस वजह से हमने सारे प्लांट्स यहाँ पे लगाने हैं, और टमाटर के हम लगाएंगे गमलों में, उनको भी डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। गर्मियों में आप फिर भी थोड़ा सा पार्शियल शेड में रख सकते, पार्शियल लाइट सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन सर्दियों में आपने बिल्कुल ही डायरेक्ट लाइट जहाँ पे पड़ती है उस जगह पे आपको लगाना होगा। अगर गमलों में लगाते हैं तो गमलों को भी आपने ऐसी जगह पे, ऐसी स्पॉट्स पे रखना होगा जहाँ पे डायरेक्ट लाइट पड़ती हो। अभी हम ये दो प्लांट ले रहे हैं, अगर एक सूख भी जाए तो ये दूसरा काम आएगा। अच्छा, प्लांट वैसे भी हमारे पास बहुत सारे हैं, और अगर एक सूखता भी है तो हम दो लगा रहे हैं, तो 4 पौधे लगा दिए।
इस क्यारी में हमारे पास जीरेनिया भी लगे हुए हैं, बेसल के प्लांट भी हैं, इसके अलावा पपीते का भी प्लांट लगा हुआ है। और पिछले हफ्ते हमारे पास जितनी भी पिछली सीज़न के मिर्ची थी, मिर्चों के प्लांट थे, वो सारे हमने निकाल लिए क्योंकि बस उनका फ्रूटिंग का सीज़न ख़त्म हो चुका था। अब ये हम लगा रहे हैं दोबारा ताज़ा प्लांट, दोबारा ताज़ा पनीरी लगा रहे हैं अब ये दोबारा फ्रूटिंग पे। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, तकरीबन 2-3 महीने। कुछ हमारे पास वैसे भी पुराने प्लांट हैं, कुछ हमने निकाल दिए हैं, कुछ हैं तो वो भी इंशाल्लाह निकालेंगे और ये नए लगाएंगे। वैसे इसका पौधा सारा साल ही रहता है, लेकिन आपने अगर एक सीज़न में ऐसे मिर्ची उतार ली हो और सर्दियाँ आ जाए तो आप दोबारा निकाल ले ज़मीन से, उसकी फिर इतनी अच्छी फ्रूटिंग नहीं होती। वो फूल तो पकड़ लेते हैं, मिर्ची भी उन पर लग जाती हैं, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर होती हैं। फिर आपने दोबारा ताज़ा पनीरी लगानी होगी। तो यहाँ पर बैंगन भी इसके साथ ही लगाएंगे, इसके बीच बीच में बैंगन का पौधा भी लगाएंगे। वैसे अगर आपको सीड लगाना भी ना हो तो आपको इजीली ये पनीरियाँ मिल जाती हैं। अभी हम ये दोस्तों बंदर खोल रहे हैं। और सब्जियों की जितनी भी पनीरियाँ होती हैं काफ़ी सस्ती होती हैं। तो बजाय इसके कि आप सीड लगाएं फिर वेट करें, इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट प्लांट ही खरीदें, पनीरी खरीदें और उसको लगा दें। अच्छा, दो बंडल हमने लगा दिए, अब तीसरा बंडल को हम खोल रहे हैं। हम दो दो प्लांट इसलिए लगा रहे हैं ताकि रिस्क ना लें हम। अगर एक प्लांट खुश्क भी हो जाए, वैसे खुश्क नहीं होते, लेकिन फिर भी एक तुम्हारे पास स्पेस इतनी है नहीं कि इतने सारे प्लांट्स को लगाएं हमें, और दूसरा ये है कि रिस्क भी नहीं ले सकते, तो इसलिए हम दो दो लगा रहे हैं एक साथ। अच्छा, मिर्च के जितने भी हमारे पास प्लांट थे वो सारे हमने लगा दिए हैं। अब इनके बीच बीच में एक हम बैंगन का भी लगाएंगे। बैंगन की पनीरी का काफ़ी खस्ता हाल है, लेकिन ये सरवाइव कर जाते हैं। मिर्चों के दरमियान में हम एक एक बैंगन का पौधा लगाएंगे। बैंगन का हमारे पास एक ही है, एक ही बंडल था हमारे पास, तो इतने ज़्यादा प्लांट्स नहीं हैं हमारे पास। बाकी टमाटर की रहती है तो वो गमलों में लगाएंगे। तो बैंगन की भी हम दो दो ही प्लांट लगा रहे हैं, और मिर्चों के दरमियान में, मिर्चों के पौधों के दरमियान में। बाकी टमाटर की भी हमारे पास तकरीबन 3 बंडल है। तो टमाटर के प्लांट लगाने के बाद हम इसको सपोर्ट भी देंगे। सपोर्ट के लिए हम शाखे लगाएंगे या बैम्बू के स्टिक्स लगाएंगे। तो बैंगन भी हमने लगा दिए हैं। ऑलमोस्ट सारे प्लांट हम लगा चुके हैं, बैंगन के और मिर्चों के। तो इसको अच्छी तरीके से पानी देंगे और फिर आपको दिखाऊंगा कि हम टमाटर के पौधे किस तरीके से पॉट में लगाते हैं। अगर आपके पास ग्रीन हाउस है तो कोशिश करें कि पॉट्स में ये सारी चीज़ें लगाएं और उसको ग्रीन हाउस में रख दें। लेकिन हमारे पास चूंकि ना ग्रीन हाउस है और ना हमारे पास इतने पॉट्स हैं कि एक एक को
एक एक पॉट में लगाएं और फिर उसको ग्रीन हाउस में रख दें। जब भी आप नए पौधे लेकर आएं, अगर वो उनकी जड़ों पर मिट्टी ना लगी हो तो फिर आप उनको पानी में रख दें ताकि सूखने के चांसेस कम हो जाए। वैसे असर का वक्त है तो इस वक्त धूप नहीं पड़ती, वैसे सारा दिन ही इस क्यारी पे धूप पड़ती है। तो ये हमारे पास चार बड़े गमले हैं और इन गमलों में हम तीन तीन लगाएंगे। गमले काफ़ी सारे लगते हैं क्योंकि दिसंबर का महीना ही ऐसा है कि इसमें बहुत सारे फूलों के और इस किस्म के पौधे लगते हैं। तो हमारे पास और भी प्लांट्स पड़ी हुए हैं, तो दो हमारे पास रह चुके हैं 22 गमले ये मैं लेके आया था बड़े। अगर आपके पास प्लास्टिक के बाल्टियाँ हों तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। वैसे मेरी सजेशन यही है कि आप इतने बड़े पॉट में सिर्फ एक ही प्लांट लगाएं। अगर आप बेहतर क्वालिटी चाहते हैं, आप कहते हैं कि ज़्यादा फ्रूट्स लगें, तो आप एक ही प्लांट लगाएं इतने बड़े गमले में और एक एक इंच का की जगह छोड़ें हमेशा। जब भी आप मिट्टी डालें तो एक इंच की गहराई छोड़ें गमले में, ताकि अगर आप बाद में फर्टिलाइज़र देना चाह रहे हों तो वो भी आप इजीली दे सकें, और अगर पानी भी देना चाह रहे हों तो वो भी आप इजीली दे सकें। तो इनको अभी भरते हैं, इनमें हमने सिर्फ ही बालू मिट्टी डाली है और किसी किस्म की खाद हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है तो उससे जड़ें जल जाती हैं। तो गमले हमने भर दिए हैं अच्छी तरीके से मिट्टी से। अब एक एक बंडल खोलेंगे इसका और दो दो प्लांट लगाएंगे इसकी भी। एक गमले में 6 प्लांट आएंगे लेकिन दो दो एक ही साथ लगाएंगे। इस तरीके से आपने ट्रायंगल में लगाना है। ये हमने इसलिए ज़्यादा लगा दिए, अगर सूख जाएं तो फिर हम दोबारा नहीं लगा सकते, अगर ये बच जाएं तो हम निकाल देंगे, खैर इसमें कोई गुंजाइश नहीं। तो अब दूसरे गमले में लगा रहे हैं दो प्लांट। वैसे ये जितने भी गमले यहाँ पे पड़ी हुए हैं ये हम यहाँ से हम उठाएंगे। दो गमलों में हमने लगा दिए हैं, दो रहती हैं तो उनमें भी लगाएंगे। अच्छा ये अभी छोटे हैं तो इसलिए हम सपोर्ट नहीं दे रहे हैं इसको, जैसे ही ये बड़े होंगे तो हम इसके लिए स्टिक लगा देंगे, या तो बैम्बू के स्टिक लगा देंगे या बाकी शाखें लगा देंगे हम।
ये हमारा तीसरा बंडल। तो सारे प्लांट ऑलमोस्ट हमने लगा दिए हैं, दो प्लांट हमारे पास बच गए हैं। अब इसको अच्छी तरीके से पानी लगा देंगे और इसको भी सनी स्पॉट में रखेंगे जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।